नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ट्रेनिंग में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा आज का एक फोल्ड है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अक्सर मैं कहता हूं कि आप LCD LED के कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि सिम्टम्स कुछ और होता है और प्रॉब्लम कुछ और होता है, उसी से संबंधित ये आज का फोल्ड है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे। अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है कि पैनल खराब है। हमने क्या किया, ये सिम्टम्स हमें दिखा, उसके बाद हमने LVDS केबल चेंज किया। मेरे को लगा कि LVDS केबल खराब होगा, पर प्रॉब्लम तब भी वही रही। अमूमन हम यही सोचेंगे, या तो पैनल खराब है या तो LVDS केबल खराब है। अब हुआ क्या, हमने दूसरा LVDS केबल लगाया, आप देखें, लेकिन तब भी प्रॉब्लम वही की वही रही। पर हमने गलती क्या किया था, LVDS केबल पुराना पड़ा था, वो लगाया था। वहां हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम चेंज किए, जो सामान पे हमको डाउट हुआ वो हमने बदला और फिर भी सिम्टम्स वही रहा, तो सिचुएशन ये हो जाती है कि हमको ऐसा लगता है कि हमने बदल दिया लेकिन तो भी काम हुआ नहीं, इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। और फिर हम प्रॉब्लम कहीं और ढूंढने लगते हैं और होता क्या है कि प्रॉब्लम फिर दूसरी एक क्रिएट होकर के सामने आ जाती है। वही परिस्थिति यहाँ है, आप देखें ये सिम्टम्स दिख रहा है और इस सिम्टम्स में मैंने LVDS पहले बदल कर देखा और LVDS बदल कर देखने के बाद भी रिजल्ट वही का वही रहा। अब क्या करें, सवाल ये खड़ा होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि LVDS बदलने के बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हमको ये बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार हमने बदल दिया, क्योंकि वहां हमने एक गलती करी थी कि पुराना LVDS डाला था। अब हम वापस नया LVDS ले आते हैं और डालते हैं, फिर देखें इसको लाइव फोल्ड क्या होता है। देखें मैंने ये पुराना LVDS निकाल दिया, पुराना मीन्स हमने दोबारा जो बदला था वो भी पुराना ही था। अब हम एकदम फ्रेश LVDS डाल रहे हैं। LVDS में आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, और LVDS में दो चीजें ध्यान देनी है कि आपको सेम टू सेम LVDS लगाना है। इस LVDS में भी दो टाइप के होते हैं, एक रिवर्सेबल होता है, ध्यान दें LVDS पे, एक रिवर्सेबल होता है और एक सीधा होता है। रिवर्सेबल मतलब इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर है और अपोजिट साइड में दूसरा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और जो फॉरवर्ड बायस में होता है उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट यही होगा और दूसरा कॉन्टेक्ट पॉइंट भी यही होगा, उसे बोलते हैं सीधा वाला। और अगर हम इसको देखें, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर और इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर, ये दो चीज़ें देखना है आपको इसमें LVDS में। अब हम इतना समझा क्यों रहे, क्योंकि इसमें जो LVDS लगा है उसी टाइप का ही LVDS हमको डालना होगा। अगर हम वैसा LVDS नहीं डालेंगे तो कनेक्शन उल्टा हो जाएगा। देखें यहाँ ये रिवर्स बायोस में है, मतलब इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर और आप देखते रहें इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर नहीं है बल्कि इधर है, तो ये रिवर्स बायोस में है और इसलिए हम रिवर्स बायोस वाला LVDS लगाएंगे। और इसको लगाने के लिए हम इसको यहाँ पे देखें, आप मैं लगा करके रिजल्ट आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसे हैं कि कंफ्यूज कर देने वाले प्रॉब्लम हैं। देखें अब हमने इसको लगाया, अब सवाल ये होता है कि हमको तो सीधा ही लगाना है, ऐसा नहीं है, इसको हम उल्टा ही करेंगे, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो सेम सीक्वेंस में मिलना चाहिए। ये देखिए इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ है और इस सॉकेट को आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में है इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट। जब हम इसको ऐसे रखेंगे और ये ऐसे करेंगे तो ये सीधा बैठेगा, तो हम उस हिसाब से इसको हम बैठा दे रहे हैं। देख लें, अगर सपोज हमने इसको ऐसे उल्टा लगाया तो इस सॉकेट के कॉन्टेक्ट पॉइंट सारे ऊपर हैं और यहाँ मेटल है तो शॉर्ट हो जाएंगे सारे और कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो हम इसको उसी के अकॉर्डिंग LVDS लगाएंगे और आप देखें यहाँ हमने लगा दिया, और अब हम देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। तो चलें, और रिजल्ट का वक्त आ गया है, हमने इसको स्टैंड बाई से रिलीज किया और देखते हैं अब क्या है रिजल्ट। ये देखें रिजल्ट आपके सामने,
जो वो नीटिंग आ रही थी, जो अब नॉर्मल पिक्चर आ रहा था, अब देखें वो पिक्चर एकदम साफ सुथरा और अच्छी तरह से आ रहा, नीटिंग जैसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरह से जब प्रॉब्लम आवे तो तुरंत आपको ये समझना है कि पैनल खराब है या मदरबोर्ड खराब है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारी ऐसे फॉल्ट आते हैं जो नॉर्मल मामूली प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम बड़ा खड़ा करते हैं। ये रिजल्ट, ये सिम्टम्स से ये दिखा रहा था कि पैनल खराब है, पर खराब क्या निकला? LVDS केबल। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा आगे चल करके। तो ध्यान रखें, तुरंत इंस्टेंटली कोई चीज़ का डिसीजन ना लें, उसे ऑब्जर्व करें, फर्स्ट स्कैन करें, सेकंड स्कैन करें, उसको रिपोर्ट तैयार करें और फिर आप उसको कस्टमर को बताएं, फिर डन करें। आप अगर इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्वागत है।